हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स हम पढ़ रहे थे और पिछले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में रिएक्शन विद हैलोजन एसिड. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद हैलोजन एसिड और फ्रॉम अल्कोहल. ठीक है, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम अल्कीन. पहला मेथड मैंने क्या बताया था आपको कि अल्कोहल से हम हैलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकता है. नेक्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम अल्कीन. क्या अल्कीन से क्या तैयार करना है आपको, हैलो अल्केन्स. ठीक है, तो मतलब अल्कीन किस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड. फ्रॉम अल्कीन आपको अल्कीन से हैलो अल्केन को प्रिपेयर करना है. हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स. ठीक है, तो इट मीन्स अल्कीन किस साइड आएगा आपके पास, इस साइड, क्योंकि आपको अल्कीन से क्या तैयार करना है, हेलो एल्केन. ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेट इज अल्काइल हैलाइड. ठीक है, जो चीज़ हमने प्रिपेयर करनी होती है उसको हम रखते हैं राइट हैंड साइड, जिससे प्रिपेयर करना होता है उसको हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर है इतनी बात. अब देखिए कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे. तो सेकेंड मेथड है आपके पास फ्रॉम अल्कीन. इसमें आपके पास तीन कैटेगरीज में हमने अल्कीन को डिवाइड करा है कि जिससे हम क्या प्रिपेयर करेंगे हैलो अल्केन. फर्स्ट है एंटी मार्कोनिक रूल, नेक्स्ट है मार्कोनिक रूल एंड थर्ड है एलाइलिक एडिशन. ठीक है, तो इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मार्कोनिक एडिशन. ठीक है, या मार्कोनिक रूल. तो मार्कोनिक एडिशन क्या होता है बेसिकली बेटा, देखिए सपोज आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्कीन, क्योंकि आपको अल्कीन से तैयार करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डैट इज द अल्कीन. क्लियर. आपको मार्कोनिक एडिशन रूल क्या कहता है कि अगर सपोज मैं क्या कर दूँ, यहाँ से इसको HCl के साथ ट्रीट करा दूँ, HCl, HBr, HI के साथ ट्रीट करा दूँ, तो आपको पता है यहाँ पर H के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, Cl के पास क्या है, नेगेटिव. ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है. सपोज इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को. तो इट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, देखिए ये पॉजिटिव ही नेगेटिव से अट्रैक्ट हो गया CH2, और एक H है, क्या बन गया CH3, नेक्स्ट क्या है CH2 Cl. तो ये क्या बन गया, ये क्या था आपके पास, डेट इज इथीन. ठीक है, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या हो गया, इथीन. यहाँ से नेम दोगे 1 and 2, मतलब 1 पे क्या है क्लोरो, डैट इज 2 कार्बन है तो क्या बन गया, क्लोरो इथेन. तो ये किसका नाम हो गया, डैट इज़ अ हेलो अल्केन. ठीक है, बट ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं कि इसने सपोज नेगेटिव चार्ज ले लिया, इसने पॉजिटिव ले लिया, जब भी कोई भी एटम किसी के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज, और जो देता है उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो हम यहाँ कंसिडर करके चल रहे हैं ये चीज़. तो ये जो चीज़ एप्लीकेबल हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये किस चीज़ में एप्लीकेबल हुई है, यहाँ पर ये जो इथीन है डैट इज़ अ सिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है, अगर आप इस बॉन्ड के अराउंड देखो इधर भी एक कार्बन आता है और इधर भी एक कार्बन आता है. ठीक है, तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि सिमेट्रिकल एल्कीन में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ये चीज़, बट अगर हमारे पास इनकेस क्या आ जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए. ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे, सपोज आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोपीन. प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2. अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे हुआ ये, इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, और इधर कितने आ रहे हैं, 1. तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है, एडिशन ऑफ HCl इनटू द अल्कीन देन व्हाट विल फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अगेन आप क्या करोगे, सपोज हम मान के चल रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को. ये कॉनिक रूल है, वो क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट है दैट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग एजेंट, एडिंग एजेंट कौन सा है, दैट इज द HCl. इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl, गोज टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के अराउंड एक ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, तो किसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास के, इसके पास,
सी एच के पास। तो ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिस कार्बन के पास क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इट मीन्स नेगेटिव पार्ट को कहाँ पहुँचा दो, यहाँ, और ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ। आ रही बात समझ, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो नेगेटिव पॉजिटिव, अब नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो यही जाएगा, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, केस वो ही एप्लीकेबल हो रहा है। बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दैट कंडीशन ऑफ द मार्कोनिक एडिशन, कि नेगेटिव पार्ट आपने वहीं भेजना है जिसके पास क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। दैट इज अ केस फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। आप देखिए क्या आपके पास रिएक्शन बनेगी, सी एच थ्री, यहाँ पर क्या आ गया सी एच के पास क्या आ गया सी एल, और यहाँ पर क्या आ गया डेट इज सी एच थ्री, क्लियर। ये क्या था आपके पास, डेट इज प्रोपीन, ये क्या बन गया, इसको नंबरिंग दोगे 1, 2 and 3, 2 chloro प्रोपीन। तो इट मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक क्या है हैलाइड है। तो मतलब दिस मार्कोनिक एडिशन यू कैन यूज इन द कन्वर्जन ऑफ द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। कि अगर आपको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाना है किससे, एल्कीन से, तो आप कौन सा मेथड यूज कर लो, मार्कोनिक एडिशन, क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल आपके पास HBr के साथ भी हो सकता है, HI के साथ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको मैंने बताया था जनरली HBr या HI क्या है, जनरली क्या कर देते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस कर देते हैं, तो इसलिए हम Cl को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके क्या होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर हम किसको करते हैं, Cl को। फटाफट नोट करो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर नोट बना के लिख लेना, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इंटू सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, क्लियर। तो ये नोट बना के लिख लेना, आगे कन्वर्जन्स में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के एंटी मार्कोनिक एडिशन। मार्कोनिक एडिशन क्या कहती थी, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग एजेंट गोज टू डैट कार्बन विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंटी मार्कोनिक एडिशन मतलब जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिक रूल, ठीक है। वो क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग एजेंट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिक रूल, ठीक है। कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर क्या है, वो कार्बन ज़्यादा नंबर के क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है, ठीक है। बट एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जो एंटी मार्कोनिक रूल है डैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ एच बी आर ओनली। अगर आप HCl के साथ कराते हो तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, उसका रीजन भी अब हम पढ़ेंगे कि क्यों नहीं करेगी, ठीक है। तो फर्स्टली आप रिएक्शन देखिए, एंटी मार्कोनिक एडिशन, एंटी मार्कोनिक एडिशन, सपोज आई विल टेक द प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें मैंने क्या डाला, HBr, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैरी फॉरवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड, पारोक्साइड का फॉर्मूला होता है दिस वन, ROOR, ठीक है, ROOR, क्लियर, दैट इज अ पारोक्साइड। अब देखिए क्या होता है, अगर आप सिंपल रूल लगाते हो, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज द नेगेटिव, अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, अगर आप सिंपल रूल लगाते हो तो उसमें मार्कोनिक एडिशन फॉलो होगी, कि पॉजिटिव ने क्या कर लिया, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, और नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया। बट हेयर इज द पारोक्साइड इफेक्ट इज प्रेजेंट, तो यू शुड रिमेंबर डैट, कि जहां पर पारोक्साइड इफेक्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिक एडिशन को, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिक एडिशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग एजेंट गोज टू द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, CH2 के पास कि CH के पास, CH2 के पास, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी ये नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास क्या हो, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन क्या बनेगी, देखिए CH3 नेक्स्ट CH2 Br, यही बनेगी CH3 CH2 CH2 Br। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, अगर ये आपके पास क्या है, दिस वन इज अ प्रोपीन,
ये क्या बन गया, 1, 2 एंड 3, 1 पे क्या है, ब्रोमो, दैट इज प्रोपेन। मतलब क्या है, यहां से आपको कौन सा एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, दैट इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आ रही बात समझ? तो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देन यू शुड फॉलो द एंटी मार्कोनिक एडिशन, एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड देन यू शुड फॉलो द मार्कोनिक एडिशन। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि अब ये HBr के साथ ही क्यों रिएक्ट करता है, HCl या HF के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर पाता, या HI के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर पाता, उसका रीज़न देखो। यहाँ पर क्या है, दिस वन इज़ द पारोक्साइड, ये पारोक्साइड है, ठीक है। आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस वन एंड दिस वन, दैट इज़ अ फ्री रेडिकल, कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इसके पास है, दैट इज़ अ होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो ये क्या बन गया, दैट इज अ फ्री रेडिकल। अब क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल होता है दिस वन, ये किसके साथ, HBr के साथ अगर रिएक्ट करे, HBr यहाँ पर भी क्या, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ क्या हो जाता है, ईजिली कंबाइन हो जाता है। जबकि अगर मैं यहाँ पर HCl या HF लूँ तो इस फ्री रेडिकल के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो HF या फिर HCl के बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो RO डैट इज़ अ परोक्साइड HBr की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इतनी सफिशियंट एनर्जी है कि वो इस बॉन्ड को क्या कर देता है, ईजिली ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर है, कर लोगे। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, एंटी मार्कोनिक एडिशन, वेयर द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग एजेंट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड क्लियर है इतनी बात, कर लोगे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, फर्स्ट और सेकंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट थर्ड करते हैं, फटाफट नोट करो जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास एलाइलिक एडिशन या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने एलाइलिक हैलाइड पढ़ा था, ठीक है, पिछली वीडियो में, क्लासिफिकेशन के अंदर जाके देखना, वहाँ पे मैंने आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताया था कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि वो किसके अंदर जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। जैसे कि हमने, अगर मैं एलाइलिक हैलाइड बनाऊँ तो किस तरीके से बनाया था मैंने, एलाइलिक हैलाइड CH2 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 CH2
सा होता है। एलाइलिक कार्बन का मतलब क्या है, ये एच इधर, ये एच इधर, ये एच इधर। इस कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, 1, 2, 3 and 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई, sp3। इस कार्बन की देखो कितनी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, अगर इस एच को मैं यहाँ नीचे लगा दूँ, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा और यहाँ सिग्मा। जिसको बेटा ये नहीं पता, ये मैंने क्लासिफिकेशन में डाल रखा है कैसे आई है ये हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ जाके देखें जरा। तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं। तो यहाँ पर कौन सी है, sp2। तो मैंने क्या कहा था आपको कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ रहा है, तो मतलब उसके साथ वाला जो कार्बन होगा डेट इज द एलाइलिक कार्बन। यही बताया था मैंने कि यहाँ पर जो sp3, मतलब ये दे दिया मैंने अल्फा, ये दे दिया मैंने बीटा, अल्फा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और बीटा क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये वाला जो कार्बन होगा डेट इज द एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो अब देखिए, अब मुझे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, एलाइलिक एडिशन में कैसे करना है। सपोज आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइल कार्बन। एलाइल कार्बन में मैं क्या ले रही हूँ, बेसिकली प्रोपीन ले रही हूँ। प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, बेसिकली ऐसे बनाते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को मैं ऐसे लिख रही हूँ CH2CH CH3। भाई मैंने यहाँ पर हैलाइड ना लेकर इसकी वैलेंसी को पूरा कर दिया, सिर्फ CH3 कर दिया, समझ रहे हो। बन क्या क्या आई, एलाइलिक कार्बन बन गया ना। कैसे देखो, अगर मैं इसको लिखूँ CH2 1 2 डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ कौन सी, सपोज ये अल्फा मान लिया ये बीटा, यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, सिंगल बॉन्ड चार है, चार के लिए कौन सी होगी sp3। यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 के लिए कौन सी होगी sp2। तो मतलब ये कार्बन कौन सा हो गया, दिस वन इज अ एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, ये रिएजेंट्स यूज़ करेंगे, कौन सा, Cl2 टेम्परेचर 773 केल्विन, ऐसे ही Br2 टेम्परेचर 773 केल्विन, SO2Cl2 एंड ऐसे ही NbS। कई बार ये रिएक्शन पूछी जाती है, ये प्रोपीन दे दिया जाता है और ऊपर रिएक्शन में डाल दिया जाता है NbS, प्रोडक्ट लिखो। तो NbS का मतलब क्या, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है। प्रोडक्ट हम देखेंगे कि कैसे बनता है अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, ये प्रोपीन लिया,
क्या डालूं पहला रेजेंट? Cl2 773 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है यहाँ पर, जो आपके पास दिस वन इज द, अगर मैं बात करूँ अल्फा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव कराना है। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को अगर मैं रिमूव कराऊं, तो यहाँ से देखिए Cl2, इसको ऐसे लिख सकती हूँ Cl2, यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन रिमूव करा दिया, क्या बचा CH2, और यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूशन करा दी Cl, एडिशन मत लिखो इसको, सब्सटीट्यूशन लिख लो कि सब्सटीट्यूट कराया हमने, एलाइलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा अल्फा से, और क्या इसको सब्सटीट्यूट करा दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बाहर क्या निकल गया HCl, बाहर क्या निकल गया HCl। अब अगर इसकी नेमिंग हम करेंगे तो नेमिंग क्या होगी इसकी, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे, वी विल प्रेफर दिस क्लोरो और द अल्किन, मतलब डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, 1, 2 एंड 3, क्या नेम आएगा, 3-chloro-propene, क्लियर इतनी बात, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, अगर Br2 आ जाता है, यही सेम रिएक्शन अगर Br2 के साथ आ जाती है 773 केल्विन टेम्परेचर पे, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या आ जाएगा Br। यही रिएक्शन SO2Cl2 के साथ आ जाती है, तो हम क्या है, तब भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा, क्योंकि इसमें क्या रहा है, Cl आ रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट यही बनेगा। इन केस अगर NBS आ जाती है, N ब्रोमो मतलब ब्रोमीन अटैच होगा, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज अ 3-bromo-propene, क्लियर है, एलाइलिक सब्सटीट्यूशन, क्लियर है, कर लोगे। ये थी आपके पास एलाइलिक सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर आपका सेकेंड मेथड खत्म होता है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम द अल्कीन। फर्स्ट मेथड हमने क्या कहा था, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्कीन, क्लियर है। ये दोनों के दो मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे तो आपके पास क्या है, छोटी छोटी एक एक रिएक्शन है, वो आप इजिली कर लोगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना ये सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम द अल्कीन्स ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन के साथ मिलेंगे। इन मीन टाइम इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।